आप करो ना तो सिर्फ पैदल करो। हाँ पैदल पैदल ही पैदल, उसके भिखारी बन के चलो आप। यस ऐसे पैसे वाले या समझ, मैं भी राजपूत का बच्चा हूँ पर मैंने सब त्याग दिया, भिखारी बन के चलो, उसके सेवक बन के चलो, बस बस। ऐसा घमंड मत करो कि हम फलाने हैं, बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ उसके नहीं आगे कुछ चलता ही नहीं, चलता नहीं। आपका नियम चलता है, संयम चलता है, वो जो चाहती वो होता है, वो होता है, उसके आधार पर छोड़ दो, आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्या बात, पैदल चलो आप। नमस्कार मित्रांनो, एक्सप्लोर विथ जय गुरुदेवमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण आलो आहोत अनुसया मंदिरमध्ये। अनुसया मंदिर बरेच ठिकाणी आहेत। आत्ता जे आपण अनुसया मंदिराला आलेलो आहोत ते आहे कुबेर भंडारी। जर तुम्ही आला गुजरातमध्ये, कुबेर भंडारीपासून 20 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे हे मागे जे तुम्हाला दिसतं हे मंदिर आहे। तर त्या मंदिराचं पहिले दर्शन घेऊया आपण। अनुसया माता ही दत्त महाराजांची आई व हे मंदिर गुजरातमधील अंबाली या गावी आहे। मित्रांनो, आता आपण अनुसया मातेच्या मंदिरामध्ये आहोत। आपल्याबरोबर रवी जोशी म्हणून आहेत गुरुजी, तर ते त्याबद्दल माहिती सांगतात। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, आपका नाम बता दिए। मेरा नाम रवी जोशी है, अनुसया माता मंदिर से। हाँ बराबर है। हाँ ये अनुसया माता जिनके आप दर्शन कर रहे हैं वो, हाँ इस तरफ चतुर्मुख ब्रह्मा जी बोलते हैं। ओके, तीन मुख हमें दिखाई देते हैं, ब्रह्मा जी है। हाँ इस तरफ विष्णु भगवान है, शंख चक्र गदा वाला, ऊपर महादेव शंकर भगवान है, बीच में बैठी वो महासती अनुसुईया मैया जिनके आप दर्शन कर रहे हैं वो, नीचे फूल रखे हैं, उसके नीचे पादुकाएं हैं, वो मैया के पति अत्रि ऋषि की पादुकाएं हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कि अनुसुईया मैया ने तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बालक बनाया था, वो यहाँ बनाया था। मैया का मूल स्थान, अपना जो ससुराल जो बोलते हैं वो चित्रकूट में, मैया का मईका पियर जो हम बोलते हैं वो गुजरात में पाटन के पास सिद्धपुर है, सिद्धपुर में कपिल आश्रम है, कपिल मुनि मैया के भाई का नाम है, करदम प्रजापति मैया के पिता, देवहूति मैया की माता और अत्रि ऋषि मैया के पति। मैया की माता, देवहूति माता, उनका संकल्प था कि मैं देव प्रजा उत्पन्न करूंगी। देव प्रजा यानी क्या? देव प्रजा यानी तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बालक बनाने का, लेकिन उनसे ये संकल्प पूर्ण होता नहीं। तो देवहूति मैया को 9 लड़कियां थी, 9 लड़कियों को बुलाया और पूछा कि मेरे से ये संकल्प पूर्ण हुआ नहीं, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे से यह तप नहीं हो रहा है, तो मेरे अलावा ये संकल्प कौन पूर्ण करेगा। अब संकल्प कठिन था, देव को बालक बनाने के लिए कठिन तप करना पड़ता है, इसलिए कोई तैयार हुआ नहीं। सबसे छोटी अनुसुईया मैया थी, अनुसुईया मैया ने बोला कि मैं आपका संकल्प पूर्ण करूंगी। फिर उनकी शादी चित्रकूट में अत्रि ऋषि के साथ हो गई। चित्रकूट यानी मंदाकिनी नदी के किनारे हुआ है। आपने रामायण देखा होगा, जब रामचंद्र और सीता माता को 14 वर्ष का वनवास होता है तो एक बार वो अत्रि ऋषि और अनुसुईया मैया के आश्रम में जाते हैं। वहाँ अनुसुईया मैया सीता माता को अमर वस्त्र और उपदेश देती है, वो चित्रकूट में देती है। वहाँ मैया कठोर तप करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं देव प्रजा उत्पन्न करने के लिए, लेकिन वहाँ ये संकल्प उनसे पूर्ण होता है। तो मैया ने अपने पति अत्रि ऋषि से जाके पूछा कि ऐसे मैंने मेरी माता का ऐसा संकल्प लिया है तीन देव को बालक बनाने का, तो हम क्या करें, कहाँ जाए तो ये संकल्प जल्दी पूर्ण हो। अब अत्रि ऋषि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि, वो ध्यान में देखते हैं तो उनको नर्मदा जी का उत्तर तट दिखाई देता है। मैया को बोलते हैं कि हम दुनिया फिरे या भारत फिरे, लेकिन नर्मदा जी के उत्तर तट जितनी पवित्र जगह कोई है नहीं, और सच में ये इतनी पवित्र जगह है कि यहाँ आप एक दिन तप करो ना तो 100 दिन का फल मिलता है। ये इतनी पवित्र जगह है, ये इतना पवित्र स्थान है, ये जगह पसंद करते हैं। एक औदुम्बर के वृक्ष के नीचे बैठ के मैया ने और अत्रि ऋषि ने बरसों वर्ष तक तप किया। उस तप के फल स्वरूप तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ मैया की परीक्षा लेने आए, और तीन देव को जो बालक बनाया वो यहाँ बनाया था। ज्यादातर यहाँ लोग क्यों आते हैं कि यहाँ की मिट्टी का महत्व, यहाँ की मिट्टी से चर्म रोग, चमड़ी का कोई भी दर्द होता है, स्किन डिसीज कोई भी, कोड करोड़िया, रक्तपित, हिस्टोरिया, खस खरजवा, गर्मी, कोई भी दर्द वो मिट जाता है, लेकिन यहाँ से मानता ले जानी पड़ती है। हम जो यहाँ से नीति नियम बोलते हैं वो करना पड़ता है। अगर आप नीति नियम सही तरह से करो तो 100% मिट जाते हैं, इतनी हम गारंटी देते हैं। दूसरा, ये मैया की मूर्ति की आप जो दर्शन कर रहे हैं वो मैया की मूर्ति स्वयंभू है, औदुम्बर के वृक्ष में से मैया स्वयंभू प्रकट हुई थी। मल्हारो गायकवाड़ थे, आज से लगभग 800-900 साल पहले बड़ौदा के राजा हो गए, उनको यहाँ कोढ़ हुए थे, सफ़ेद दाग जो बोलते हैं वो हुए थे, उनको यहाँ की मिट्टी लगाने से मिट गए थे। तो जब 9 रुपया तोला सोने की कीमत थी,
थी। उस टाइम के 1.25 लाख रुपए के जवेरात मैया को अर्पण किए थे और यह मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। वो जवेरात अभी भी मौजूद है हर चैत्र सुद पूर्णिमा के दिन या भी चैत्री पूर्णिमा गई हनुमान जयंती के दिन। साल में एक दिन वो मैया को अर्पण किए जाते हैं और यहाँ बड़ा मेला लगता है। दूसरा ये गंगा कुई को बोलते हैं, वो कुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, गंगा कुई बोलते हैं। उसका महत्व ये है कि यहाँ अत्रि ऋषि और अनसुईया मैया तप कर रहे थे, तो 10 साल का यहाँ अकाल पड़ा था, दुष्काल आप समझते होंगे, अकाल पड़ा था। तो अत्रि ऋषि ने ध्यान में जागृत होके मैया के पास पानी मांगा। अकाल था इसलिए पानी बहुत जगह मैया घूमी लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। तो मैया ने गंगा माता की आराधना की कि आप यहाँ एक प्रकट हो। तो गंगा माता ने ऐसा बोला कि आप अपने पतिव्रता धर्म का 1 साल का फल मुझे दो तो मैं यहाँ प्रकट हूँ। तो अनसुईया मैया ने गंगा माता को 1 साल का पतिव्रता का फल दिया था और गंगा माता को यहाँ प्रकट किया था, इसलिए इसको गंगा को ही बोलते हैं। गंगा, यहाँ गंगा माता का ही पानी आता है और यहाँ सब उपयोग यही पानी होता है, ये यहाँ का महत्व है। बोलो अनसुईया माता की जय। थैंक यू, धन्यवाद मंडळी, एवढी सुंदर माहिती सांगितली। आता आपण मंदिराला प्रदक्षिणा घालूया। मंदिराच्या मागच्या बाजूस दत्ताचं मंदिर आहे, ते आता आपण बघूया। मैयाचे वडील म्हणजे महादेव। मैया किनारी फिरताना अनेक महादेव मंदिरे लागतात, त्यातीलच नंदिकेश्वर महादेव मंदिर। अनुसया माता ते नंदिकेश्वर महादेव मंदिर फक्त 12 किलोमीटर हे आहे। महादेवाचे दर्शन घेऊन समोर असलेल्या मैयाचा घाट उतरून मैया किनारी फिरताना परिक्रमावासी भेटले आणि न राहून त्यांचा अनुभव विचारावासा वाटला। नर्मदे मैयाच्या आपण घाटाच्या पाशी आलो असताना आपल्याला इथे परिक्रमावासी भेटलेले आहेत। नर्मदे हर, नर्मदे आपका नाम बताइए। रमेश चंद्र मुड़ाना। और आप कब से चल रहे? 5.5 महीने हो गए। 5.5 महीने। और कब से नर्मदा परिक्रमा आपने उठाई थी? कहाँ से? देवउठी 11 से उठाई थी। हाँ, और नेमावर से उठाई थी। ओके ओके, आपका नाम बताइए। भगवान दास। भगवान दास। और कहाँ से नर्मदा मैया की परिक्रमा उठाई? अमरकंटक। अमरकंटक से। और कितना टाइम हो गया अभी आपको चलते हुए? 3 महीना। 3 महीना हो गया। आपका नाम क्या है? अमर सिंह राजपूत। कहाँ से उठाई? गोंडिया। गोंडिया से उठाई। और कितना टाइम हो गया आपको चलते हुए? 1 महीना 4 रोज हो गया। ओके, तो अभी आपको 3 महीना 2 महीना 5 महीना हो गया है, तो आपका यहाँ तक का अभी का एक्सपीरियंस कैसे रहा वो बताइए थोड़ा। उनकी महिमा अपरंपार है, जितना गाँव तक कम है। कल्पना करो, दोनों दिन पूरी कर देती है माता। अच्छा, आपको ऐसा अनुभूति हुआ है? बिल्कुल हो चुका है। हो चुका है, क्या बात है। थोड़ा एक्सपीरियंस आप बताइए, थोड़ा उदाहरण दे दीजिए। कुछ रहेगा? 5 महीने से आप चल रहे हैं। हमारे मन में कुछ कल्पना नहीं होती, पर फिर भी जो नहीं खाते खा सकते वो भी खा सकते। जलेबी खिला दी उन्होंने, हलवा खिला दिया उन्होंने, हम तो रास्ता रास्ते चल रहे हैं। पपीता खिला दिया, सब जो जो कुछ खाना चाहिए सब खिला दिया, बिना मांगे। मांगते नहीं हम, किसी मिलते जाते हैं। आज तरबूज खेत में से निकले थे तो उनने 5-7 तरबूज खिला दिया। अरे वाह, काट दिए। क्या बात। अभी मेरा भी एक्चुअली ये है, मन है, तो जब भी मेरा भी टाइम रहेगा मैया जरूर बुलाएगी मुझे भी। आप करो ना, सिर्फ पैदल करो। हाँ, पैदल पैदल ही। इधर उसके भिखारी बन के चलो आप। yes, ऐसे पैसे वाले या समझ, मैं भी राजपूत का बच्चा हूँ पर मैंने सब त्याग दिया। भिखारी बन के चलो, उसके सेवक बन के चलो। बस बस, ऐसा घमंड मत करो कि हम फलाने हैं। बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उसके आगे कुछ चलते ही नहीं। आपका नियम चलता नहीं, संयम चलता, वो जो चाहती वो होता है।
वो होता है, उसके आधार पे छोड़ दो, आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्या बात, पैदल चलो आप। चलो अच्छा, आराम से जाइए। नर्मदे हर नर्मदे हर। तर मित्रांनो, तुम्ही नर्मदा मैयाच्या इथे आल्यानंतर अशी तुम्ही परिक्रमावासी भेटू शकता। तर परिक्रमावासी तुम्हाला भेटले तर त्यांना तुमच्याकडनं जेवढं काही देता येईल तेवढं द्या, त्यांना नमस्कार करा, कारण 3200 किलोमीटरची परिक्रमा आहे। काही लोकांना 3 महिन्यात कंप्लीट करतात, काही लोक 4 महिने, काही लोक 5 महिने, आणि गाडीने सुद्धा पण परिक्रमा ही करता येते। पण आता जसे या मागे चाललेले आहेत तसं चालत जर परिक्रमा तुम्हाला करता शक्य झाली तर तुम्ही नक्की करा। आता हा मी व्हिडिओ इथे थांबवत आहे आणि अजून सुद्धा चॅनलला कोणी सबस्क्राईब जर केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला एक मी लिंक देत आहे, त्या लिंकद्वारे तुम्हाला काही दैनंदिन जीवनातल्या काही गोष्टी तुम्हाला बाय जर करायच्या असतील तर तुम्ही त्या बाय करू शकतात। त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही पर्टिक्युलर एका वेबसाईटला पोहोचाल आणि तिकडनं तुम्ही त्या गोष्टी बाय करू शकतात। भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत करू एकमेकांना बाय।